आपका चुनावी इधर 2012 के बाद रुक गया था, आप बहुत कम अंतर से हारे थे 5,000 वोटों से, जो कि बहुत मायने नहीं रखता। आप फिर आए हैं जनता के बीच में, आपका अच्छा वर्चस्व है यहाँ पर। देखिएगा, जनता हमको हमारे साथ न होती है, जनता हमारे से यहाँ को प्यार सम्मान नहीं मिलता जनता को, तो आज जानते हैं कि राजनीति में कौन किसको पूछता है। मेरी कोई उनकी कोई मजबूरी नहीं, जो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं है, खाली प्यार सम्मान देते रहे हैं उन्हीं के बलबूते पर, उन्हीं के प्यार सम्मान के नाते आज भी मेरा हौसला बना हुआ है, मैं राजनीति में सक्रिय। सर, एक सवाल हमारा था कि इस सीट पर सबसे मजबूत प्रत्याशी आप थे, फिर भी आपके नाम पे इतना लेट क्यों मुहर लगी? देखिए, गठबंधन में सीट जब गठबंधन हुआ इनसे सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से, तो जफराबाद की सीट उनके खाते में चली गई। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने यह निर्धारित किया था कि नाम हम देंगे, सिंबल आपका रहेगा जी। तो नाम मेरा था ही, अब उसमें आज कहने में कोई कसर नहीं है, महीनों से फिक्स था, जब भी रिजल्ट आता तो उसी बीच में, अब हम तो मान के चल रहे थे कि हमको लड़ना है, नाम आएगा। इसी बीच में दो एक दिन में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए, कुछ होता है लोग नेताओं को गलत चीज़ें उनको फीड कर दी गई, बताया गया कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। सर, बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक खबर चली थी कि आपको सुभाषपा से टिकट मिल रहा था, लेकिन आपने मना कर दिया कि हम चुनाव सपा के सिंबल पे लड़ेंगे, हम ऐसा कुछ ये था? पूरे सीट के हमारे सारे कार्यकर्ता, सुभाषपा सारे कार्यकर्ता नेता ये चाहते थे कि सीट से भी समाजवादी पार्टी मजबूती से यहाँ नहीं खड़ी हो पाई है, एक बार उसके चिन्ह पर यहाँ लोग लड़े, उनके यहाँ के कार्यकर्ता चाहे वो अपनी बात कहना चाहते थे कि अगर साइकिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं गठबंधन है, हम लोग गठबंधन का पालन करेंगे, कोई लड़ाई नहीं थी इसकी। कुछ लोग आपको प्यार से बाबूजी कहते हैं, कारण क्या है? उम्र के हिसाब से कहते होंगे, जो हमारे छोटे हैं हमको बाबूजी कहते हैं, जो बराबर के हैं भाई साहब कहते हैं, जो हमसे बड़े हैं हम उनको भी सम्मान देते हैं। 2018 में बसपा छोड़कर साइकिल पे आप सवार हो चुके हैं, साइकिल पे सवार हो गए थे, इसका मेन कारण क्या था? साइकिल सवार ने हम हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मेरा मुझे बड़ा अच्छा संबंध दे रहा था, और मैं विचारधारा से जो समाजवादी जो विचारधारा है भारत के संविधान की समाजवादी विचारधारा पार्टी से नहीं, उससे मैं जुड़ा हूँ। मुझे आप अगर हमको इधर उधर करके तो बहुत से दल तैयार थे लड़ाने के लिए, अब आज अगर आप इसको दिखा सकें तो भाजपा तो मुझे खरीदने के लिए तैयार थी। मैं विधायक हुआ तो मेरे 5 करोड़ की बोली लगाई गई थी, पद दिया जा रहा था, अगर मुझे भाजपा से प्रेम होता तो कहिए मैं खुद चला जाता, लेकिन चूंकि मैं विचारधारा से वहाँ फिट नहीं हूँ इसलिए मैंने वहाँ इनकार किया। बड़ा प्रेशर आया हमारे रिश्तेदारों नातेदारों। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलते हैं कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, आप पुराने नेता हैं, राजनीति में हैं, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, जो हो रहा है आज देश में चुनाव, जो सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा, भारत का संविधान बचाना है, आज जो वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी है जो आरएसएस के पद चिन्हों पर चल रही है, उस आरएसएस के पद चिन्हों पर चल उनका क्या विचार जान है, और सब उस सारी चीज़ें पुरानी मिटा के और नई चीज़ें, हमारे जानकारी में तो उनकी ये थ्योरी है कि देश को जिसमें 70% जो गरीब किसान मजदूर हैं उनको मुफ्तखोरी की व्यवस्था कर दी जाए, और पैसा पूंजीपतियों के चंद पूंजीपतियों के हाथ में रहे, उनके साथ मिलकर हम पूरी सरकार चलाएंगे, ये आरएसएस की थीम है, भाजपा उस पर काम कर रही है। तो हम लोग इस देश, भारत जो है बहुत बड़ा देश रहा है, विश्वगुरु रहा है, इसमें जो व्यवस्था है वो आदि है व्यवस्था, आज संस्कृति आज सभ्यता है, इसको अगर कोई बदलना चाहेगा, अब कोई किसी को गाली दे दे कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो जिस तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं हुई, इस बार रिजल्ट आएगा तो आप देख लेंगे, जो सारे फेल उनके सारे समीकरण फेल हो चुके हैं, जो चुनाव हुए हैं, हम लोगों के भी संपर्क हैं वहाँ, हर बिरादरी से। आपके विधानसभा क्षेत्र जफराबाद में आपका मुख्य प्रतिद्वंदी आप किसको मानते हैं? नहीं, प्रतिद्वंदी तो हम कहे किसको मानेंगे, प्रतिद्वंदी तो भाई जो लड़ रहा है सभी हमारे साथ ही हैं, सबका सम्मान है, हम उन यहाँ की समस्याओं को लेकर लड़ रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे। हार जीत का अंतर कितना होगा? जनता तय करेगी। सर, एक सवाल हमारा था, इस सीट पर 2 स्वर्ण नामांकन किए हैं, कितना फायदा आपको होगा इस 2 स्वर्ण नामांकन किए हैं जफराबाद विधानसभा से सत्ताधारी दल से डॉक्टर हरेन सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सिंह सोनू, तो इसको आपको कितना फायदा होगा? हम ये सब चीज़ों विश्वास, हम अपने कर्म विश्वास करते हैं, हम किसी को काटने, कौन किसको काट रहा है, कौन क्या कर रहा है, हम अपनी मेहनत पर ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, हमारा तो विश्वास है कि सब लोग फेल हो जाएंगे। सर, एक सवाल और था कि इस सीट से समाजवादी पैनल से आप सबसे मजबूत प्रत्याशी थे,
और क्या कहते हैं सुभाषपा से डॉक्टर जेपी सिंह, आपको कितना लगता है कि उनका सहयोग आपको मिलेगा? पूरा सहयोग मिलेगा प्रत्याशी जेपी सिंह सुभाषपा ज्वाइन किए और राष्ट्रीय प्रवक्ता है उस पार्टी के, उनका पूरा सम्मान मिल और वो सहयोग रहेगा। तो अलग बात है सुभाषपा के कोटे में सीट थी नहीं तो उनको कैसे सीट मिलता, अगर सुभाषपा कोटे में होती वो पाते, ये समाजवादी कोटे में नाम आना था, नाम आना था। 7 मार्च को जब पब्लिक निकल करके चुनाव करेगी तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने क्षेत्र की जनता को? पब्लिक इस क्षेत्र की जनता पूरी तरह से खुद अब समझ लीजिए कि जागरूक हो चुकी है और सड़क पर खड़ी है, इंतजार कर रही है मशीन दबाने के लिए। और जो हुआ है 5 साल में, जिनका सम्मान स्वाभिमान यहाँ कुचला गया है, लोगों के साथ भेदभाव किए गए हैं, सबको गलत चीज़ों में फंसाया गया है, तमाम इस सब चीज़ों को लेके एकदम बौखलाई हुई है यहाँ की जनता, वो दिखा देगी रिजल्ट। कुछ लोग अपना खेमा बदल दिए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कौन के वर्तमान विधायक जो है, वर्तमान विधायक के कार्य से जनता कितना खुश है? वर्तमान अभी तो जनता बताएगी, उन्हीं के खेमे से कुछ लोग आपके खेमे में आए हैं तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? खेमे तो हमारे खेमे सभी है, कौन नया आया गया, आप आए होंगे तो आप। हम लोग वर्तमान विधायक के कार्यशैली से आप कितना खुश हैं या जनता कितना खुश है? विकास है कि हमने विकास किया, कार्यशैली हमने बहुत विकास किया, हमने लोगों को घर दिया, मकान ऐसा है यार भाई साहब क्या देखो, हम ब्लॉक प्रमुखी किए हैं, घर तो हम बांटे हैं वो समय तो कोई नहीं जानता था। अभी हम बता दें गांव चले जाइए, बंदीपुर गांव है सिरकोनी रास्ते पर, वो 22 मुसहरों का आवास बना हुआ है, जब कोई जानता ही नहीं था आवास के बारे में, तो ये तो युगों से परंपरा चली आ रही है। राशन तो राशन इसके पहले भी मुफ्त बिका है, यहाँ गरीबी थी लोगों को, ये सब यही तो दिक्कत है कि वैक्सीन पर फोटो छिपा कहेंगे हम, इसके पहले वैक्सीन नहीं लगी थी, राशन मुफ्त देना ये तो यही बता रही कि थीम है कि लोगों को बेकार बनाया जाए, लोग आदि हों, जैसे नशा जैसे चाय पिला के उन्होंने पहले अंग्रेजों ने चाय मुफ्त पिला के आदि, आज जैसे सेम लगा कि जीओ वाले सबको आदत धरा के महंगा कर रहे हैं, ये सब किस साजिश से। मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।